से आए आप? फरुखाबाद। फरुखाबाद से। वीडियो देखा था आपने, क्या देखा था वीडियो में? कि आप सर्जरी करते हो। अच्छा, निशान की सर्जरी। निशान की सर्जरी। अच्छा, तो इसमें आपका कैसे ये हुआ था? ये हमारा एक्सीडेंट हो गया था। कितना पुराना है? एक साल पुराना हो गया। एक साल पुराना। इसमें आप देख सकते हैं इनका स्कार है, तो सूचर कहीं कहीं बाहर लगवाया था, कहीं लगवाया था आपने? नहीं, घर पे लगा। घर पे? कौन घर पे लगा दिया? गांव में लगवा दिया। हॉस्पिटल में। तो उतना अच्छा वो नहीं हुआ है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम स्कार रिविजन करेंगे आपका। जो ये दोनों बीच में डिप्रेशन है, गड्ढा है, उसको रिविजन करेंगे, ठीक है? पतले स्कार रिविजन करके सूचर लगाएंगे, ठीक है? ठीक है, इनमें हम स्कार रिविजन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनको, तो इसमें क्या सामने से ही पता चलता है ना। तो अभी जितना जैसा ऑब्वियस कोई भी नोटिस करता है दूर से देखने पे, वो चीज़ चली जाएगी आपकी, है ना। आपको बहुत क्लोजली शीशे में देखना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा, है ना। दूर से उतना पता नहीं चला, अभी तो दूर से पता चल जाता है कि नोज पे स्कार है, ठीक है। तो ये स्कार इनका ये है नोज पे, तो इसमें हम स्कार रिविजन सर्जरी करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हम ये नोज पे इनके स्कार है। तो बेसिकली नोज पे ओल्ड ट्रॉमा स्कार था, सूचर किया गया था, तो उसमें अच्छे से इनका हीलिंग नहीं हुई है, डिप्रेशन आ गया उसमें। तो आप देख सकते हैं, ये अभी हमने लोकल में शीशा दिया है, तो ये हम इस कार को एक्साइज करेंगे, इस पार्ट को। तो अभी हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया है, लोकल का इफेक्ट आ जाए, फिर उसके बाद हम सर्जरी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने सर्जरी इनकी कंप्लीट कर दी है। अभी हमने इनकी सर्जरी कंप्लीट कर दी है, तो नोज पे स्कार था। तो आप देख सकते हैं ओल्ड इनका बेसिकली क्या है, अलाइनमेंट भी नहीं था यहाँ पे, अलाइनमेंट मतलब मिसमैच था। इसको हमने खोल कर फिर से मैच किया है और अभी फाइन सूचर किया है, तो ये स्कार जो है धीरे धीरे टाइम साथ और अच्छा दिखाई देगा। तो इनका आप देख सकते हैं अलाइनमेंट काफ़ी अच्छा आ गया है। जैसा कि देखा, हमने स्कार रिविजन किया, तो काफ़ी पेशेंट की क्वेरी रहती है कि कब सर्जरी कराएं, कितने दिन में रिजल्ट आएगा, कितना कॉस्ट आएगा। कॉस्ट बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने स्कार हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कुछ लोगों की क्वेरी रहती है कि इसमें लेजर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो जस्ट सर्जरी के बाद लेजर का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि हीलिंग फेज में रहता है, तो उसमें लेजर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं आता। आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है टाइम के साथ ही इम्प्रूव होता है, हर केस में लेजर की जरूरत नहीं होती है, और धीरे धीरे टाइम के साथ रिजल्ट इम्प्रूव होता रहता है। इनका भी रिजल्ट आप देखेंगे 6 महीने वाला दिखेगा, 1 साल वाला दिखेगा, 1.5 साल वाला दिखेगा। तो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, कुछ रिजल्ट 1 मंथ के हैं, कुछ 6 महीने के हैं, कुछ 1 ईयर के हैं, कुछ 2 ईयर के हैं। तो आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं, धीरे धीरे सबका रिजल्ट अच्छा आता है। आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूव रहता है।